ओके, फिर है नेक्स्ट डायरेक्ट एम्प्लॉय एंड डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब वो किस तरीके से डायरेक्ट एम्प्लॉय से हैंडल करेगा, मतलब उसी को किस तरीके से वो समझाएगा, ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मैनेजर। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मैनेजर में हमने आपको बताया रीडरशिप होना चाहिए। रीडरशिप मतलब होता है कि वो एक रीडर, मतलब वो किस तरीके से लोगों को रीड करके चल रहा है, रीडरशिप, ठीक है। और टीम वर्क मतलब होता है कि वो किस तरीके से लोगों के साथ चलेगा, मतलब जो उसके एम्प्लॉय हैं उनके साथ वो किस तरीके से टीम लेकर आगे वो बढ़ेगा, मतलब एक को नहीं छोड़ेगा, वो सभी को लेकर चलेगा। ऐसा नहीं कि वीक है तो उसको हम छोड़ दें, नहीं, उसको भी साथ लेके चलेगा। विज़न मतलब होता है कि उसका नेक्स्ट विज़न क्या होना चाहिए, मतलब विज़न मतलब वो अपनी कंपनी के प्रति वो किस तरीके से होनेस्टी है और किस तरीके से वो टारगेट को कम्प्लीट करे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसमें, खुद में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ नॉलेज ही ना हो और हम अपना वर्क भी करें, नहीं, उसके पास एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिस तरीके से लोग उनके वर्क को समझे, मतलब उसको एम्प्लॉय के लिए वो सभी जो अपने टीम वर्क है उनको किस तरीके से वो कॉन्फिडेंस करे। स्ट्रेटेजी होना चाहिए बनाकर, मतलब क्या आगे प्लानिंग किस तरीके से होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए कि वो किस तरीके से मैनेजमेंट कर रहा है, ठीक है। आपको जो मैंने बताया उसको आप अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिएगा। जो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हो तो मुझे मैसेज के थ्रू आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।